मामले को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा है, लखीमपुर खीरी के पकड़िया गांव में नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नृशंस हत्या दुखद और शर्मनाक। मायावती ने ट्वीट में लिखा, ऐसी घटनाओं से सपा और वर्तमान भाजपा सरकार में फिर क्या अंतर रहा। उन्होंने मांग की कि सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे। फिरोजाबाद में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। इस हादसे में मौत पर ही एक शख्स की मौत हो गई है जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। हादसे के कुछ देर बाद ही बस में भीषण आग लग गई जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुश्किल से काबू पाया। कानपुर में अपनी करोड़ों की फरारी कार से स्टंट करना कानपुर के एक गुटखा व्यापारी को भारी पड़ गया। पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने कानपुर शहर के चर्चित पान मसाला व्यवसायी के मालिक दीपक खेमका के बेटे शरद खेमका के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन की धारा के तहत थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर चेतन चौहान। किडनी की समस्या और कोरोना संक्रमण बनी है समस्या। बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में नया पेच, ब्लैकमेलिंग की आरोपी महिला ने वीडियो जारी कर विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस निष्पक्ष जांच की मांग की। सीतापुर जेल में आजम खान को बीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायत पर गृह मंत्रालय और अपर मुख्य सचिव ने लिया संज्ञान। सोशल एक्टिविस्ट फैजल लाला की शिकायत पर मामले की जांच। मेट्रोकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार, इनामी बदमाश राजेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में खुद के अपहरण का नाटक करने वाले गिरफ्तार, जीजा साले पर लाखों रुपए गबन करने के लिए फर्जी अपहरण करने का आरोप, गबन की रकम बरामद। फतेहपुर के बिंदुकी कोतवाली क्षेत्र में बुजुर्ग की लाठी डंडों से बुरी तरीके से पिटाई, बुजुर्ग की हालत गंभीर। खेत में मवेशी जाने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी गिरफ्तार। खुरमाबाद गांव की घटना। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में बाइक चोरी के शक में भीड़ ने युवक को पीटा, घटना का वीडियो वायरल। फ्वासपुरा इलाके की घटना। गौतम बुद्ध नगर में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, जिलाधिकारी सुहास अलवाई ने की अभियान की शुरुआत। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सुहेल को पंजाब से किया गिरफ्तार, बदमाश पर दर्ज है 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में शख्स की गोली मारकर हत्या, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद, गाजीपुर गांव का मामला। अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र में जमीन विवाद ने शख्स की गला रेत कर हत्या, शख्स के भाई पर लगा हत्या का आरोप, पुरारा गांव का मामला। लखीमपुर खीरी में 6 गैंगस्टर गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचा, 4 कारतूस बरामद, फूल बेहड़ पुलिस की कार्रवाई। इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से महेंद्र सिंह धोनी ने लिया संन्यास, सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, कहा प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया। महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। सोशल मीडिया पर रैना ने पोस्ट किया, धोनी आपके साथ खेलकर अच्छा लगा, आगे की यात्रा में भी आपके साथ। इंस्टाग्राम पर धोनी ने अपने क्रिकेट करियर की यात्रा से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया, आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल मैच खेला था। धोनी ने अपने रिटायरमेंट के ऐलान पर बैकग्राउंड में एक गाने का भी जिक्र किया, मैं पल दो पल का शायर सुनाई दिया। धोनी ने 350 वनडे मैच खेले जिनमें उन्होंने 50.57 की औसत से 10,773 रन बनाए। साक्षी धोनी ने इस पोस्ट पर दिल और हाथ जोड़ने का इमोजी बनाया, लिखा था मिसिंग यू, वेलकम होम। धोनी के प्रारंभिक कोच चंचल भट्टाचार्य ने भी जताई इच्छा, कहा फेयरवेल मैच रांची में हो, झारखंड के सीएम के प्रस्ताव का स्वागत किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का ट्वीट, धोनी को कप्तान बनाते वक्त भरोसा था कि वो क्रिकेट के सफलतम कप्तानों में गिने जाएंगे। धोनी के लिए क्रिकेटर हरभजन सिंह का ट्वीट, माही को महानतम विकेट कीपर बताया, संन्यास के फैसले पर बधाई। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया, लिखा जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धोनी के पूर्व मैनेजर अरुण पांडे ने कहा टीम के साथ काम करते रहे धोनी, कभी किसी को छोटा नहीं समझा। धोनी के रिटायरमेंट पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, लिखा हेलीकॉप्टर शॉट को हमेशा याद रखें। धोनी पर सीएम योगी ने लिखा एक युग का अंत, आप युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा रहे।
जी मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर का खुलासा, मैंने ही कोहली को कप्तान बनाने के प्रस्ताव को धोनी ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया।